हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑलवेज सीक नॉलेज। आज मैं आपके साथ गोल सेटिंग के सीक्रेट पावर के बारे में बताने वाला हूँ कि गोल सेटिंग का हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है, जो किसी को जीरो से हीरो भी बना सकता है, और कैसे एक वेल डिफाइंड गोल सेट करके कुछ भी अचीव किया जा सकता है। एक्साइटेड? तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मार्क मैकोरमार्क, जो ऑथर हैं व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बुक के, 1979 में हार्वर्ड में प्रोग्राम के दौरान उस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे एमबीए ग्रेजुएट स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने एक क्लियर रिटर्न गोल सेट किया है अपने फ्यूचर को लेके, और कुछ प्लान बनाया है उसे अचीव करने के लिए। पता चला कि ओनली 3% ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट के पास ही रिटर्न गोल और प्लान थे। 13% लोगों के पास गोल थे बट वो कहीं भी रिटर्न फॉर्म में नहीं थे, जबकि ह्यूज 84% लोगों के पास कोई भी स्पेसिफिक गोल नहीं था सिवाय हॉलिडे के बाद समर में इंजॉय करने के। 10 इयर्स लेटर 1989 में कुछ रिसर्चर की टीम ने उसी ग्रुप का इंटरव्यू किया और रिसर्च से कुछ शॉकिंग रिजल्ट मिले। उन्हें पता चला कि जिन 13% लोगों के पास गोल थे बट वो रिटर्न नहीं थे, उनकी अर्निंग 84% स्टूडेंट से डबल थी जिनके पास कोई भी गोल नहीं था। बट सबसे ज़्यादा सरप्राइज वाली बात ये पता चली कि जिन 3% स्टूडेंट के पास क्लियर रिटर्न गोल और प्लान थे, उनकी अर्निंग 10 गुना ज़्यादा थी उन पूरे 97% स्टूडेंट से। 3 और रेस्ट 97% ग्रुप में एक ही डिफरेंट था, क्लैरिटी अपने गोल को लेके। जब वो ग्रेजुएट होके बाहर निकले तो उन्हें पता था कि उन्हें एग्जैक्टली क्या करना है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि गोल सेटिंग का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में कितना है। तो चलिए जानते हैं हम भी कैसे एक वेल डिफाइंड गोल सेट कर सकते हैं अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। सबसे पहली चीज, किसी भी टारगेट को अचीव करने के पहले आपके अंदर एक डिज़ायर होना चाहिए और पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। दुनिया में कई लोग अपने ड्रीम को इसलिए भी अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए, और अगर पता भी होता है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर नहीं होता। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के साथ साथ आपका बिलीफ सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मैं इस टारगेट को अचीव कर सकता हूँ, इमीडिएट बेसिस पे तो नहीं लेकिन आने वाले मंथ या फिर ईयर में। उसके बाद आपको उस गोल को एक पेपर पे लिखना है फॉर बेटर क्लैरिटी, जो ये भी इंडिकेट करेगा कि आप सीरियस हैं उस गोल को लेके, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि ड्रीम विदाउट गोल इज जस्ट अ विश। इसी तरह अगर आप अपने गोल को केवल अपने माइंड में रखेंगे तो वो एक विश बन के रह जाएगा और शायद ही आप उसे कभी अचीव कर पाएंगे। डिटरमाइन व्हाई यू वांट इट। अगर आपको ये पता होगा कि आप क्यों एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो जब कभी भी आपके लाइफ में एक डिफ़िकल्ट और टफ सिचुएशन आएगा तो आपका फोकस आपके गोल से नहीं हटेगा, क्योंकि हम जब भी किसी नए चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसको लेके हमारा एक्साइटमेंट शुरू में काफ़ी ज़्यादा होता है, फिर कुछ दिन के बाद वो कम होने लग जाता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप 5 स्ट्रॉन्ग रीजन लिखें कि क्यों आप इस गोल को अचीव करना चाहते हैं और इसे अचीव करने से आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या डिफरेंस आएगा। उसका लिस्ट बनाएं और हमेशा अपने पास रखें। सेट अ डेडलाइन। डेडलाइन सेट करने से आपको 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये कि आप उसके लिए प्लानिंग करोगे कि आपको उसे कब अचीव करना है। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको आने वाले 1 साल के बाद के गोल को अचीव करने के लिए डेली, वीकली और मंथली कितना काम करना है। सेकेंडली, ये आप पे प्रेशर डालेगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि हम ह्यूमन बींग्स बाय नेचर लेजी होते हैं। जब तक हमारे सामने डेडलाइन नहीं होता तब तक हम सीरियसली काम नहीं करते, और डेडलाइन सेट करने के कारण आपके पास कोई चॉइस नहीं होगा उसे प्रोक्रास्टिनेट करने का, अगर आप अपने गोल को लेके सीरियस हैं तो। मेक ए सॉलिड प्लान। डेडलाइन सेट करके आप ये डिसाइड करोगे कि आपको अपने स्पेसिफिक गोल को कब अचीव करना है, लेकिन आपके गोल को अचीव करने के लिए केवल डेडलाइन ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपके पास सॉलिड प्लान भी होना ज़रूरी है कि आप उसे कैसे अचीव करेंगे और आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत लगने वाली है। अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान होगा तो हम अपने टाइम एंड एनर्जी को अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे, जो काफ़ी लिमिटेड है। प्लानिंग आपके लिए एक रोड मैप की तरह होगा अपने गोल को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए, लेकिन आपको अपना प्लान डिसाइड करते वक्त फ्लेक्सिबल होना चाहिए,
कहने का मतलब ये है कि आपको अपना प्लान अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सभी चीज़ें आपके प्लान के अकॉर्डिंग काम ना करें। आपको अपने प्लान को चेंज करते रहना पड़ेगा। जैसे कोई चीज़ चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्लान को चेंज करते रहना पड़ेगा। तो इसकी तैयारी बिगनिंग में ही करके रखें। नेवर गिव अप। फाइनली, कभी भी अपने गोल पे गिव अप ना करें, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना आ जाए। बिगनिंग में ही आप अपने माइंड में ये बात डाल लें कि आपको ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए आप रेडी रहें। अगर शुरू में वर्स्ट सिनेरियो को इमेजिन करके आप आगे बढ़ेंगे तो आप कभी भी डिस्करेज और डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे अपने गोल से। अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपको परसिस्टेंस होना पड़ेगा किसी भी सिचुएशन में। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये गोल अचीव करना है तो बस करना है, दैट्स इट। मैंने आपसे ये गोल सेटिंग की सारी बातें शेयर की हैं फ्रॉम बुक गोल्स, जिसके ऑथर हैं ब्रायन ट्रेसी। इस बुक में और भी इंटरेस्टिंग बातें गोल सेटिंग को लेकर बताई गई हैं, जिसे आप पूरा पढ़ सकते हैं परचेस करके। मैं ये बुक उन सभी यंगस्टर को रिकमेंड करूंगा जो अपने लाइफ को लेके सीरियस हैं, बट उन्हें पता नहीं है कि उसे सिक्योर करने की शुरुआत कहां से करनी है। वीडियो ख़त्म करने के पहले आज का क्वेश्चन, आपको इन 6 गोल सेटिंग स्टेप में से कौन सा स्टेप सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट पे। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑलवेज सीक नॉलेज को, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करें फ्यूचर वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। आप ऑलवेज सीक नॉलेज को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पे भी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऑलवेज सीक नॉलेज की तरफ से आने वाले साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि नए साल में आप एक वेल डिफाइंड गोल सेट करेंगे अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कुछ और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव बातें। अंटिल देन, कीप लर्निंग।